मैं तो तुम्हारी बेटी की शक्ल देखते ही समझ गई थी कि शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। उठे निकले यहाँ से, जाए यहाँ से। अम्मी बस, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तमीज ना जाके अपने बच्चों को सिखाइए। हमारे घर के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी बेटी के लच्छा नहीं अच्छे नहीं लग रहे घर बसाने वाले, इसलिए तो शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। पता नहीं शोहर ने बर्दाश्त भी कैसे किया होगा। इतनी हमदर्दी हो रही है ना मेरे शोहर से, तो अपनी बेटी को भी आदे उससे। नहीं बड़ी। अरे बहन देख रही हो अपनी बेटी को, हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही है ये। बहन आप चली जाए, जाए यहाँ से। जाती है या नहीं, वरना मैं हाथ पकड़ के आपके घर छोड़ कर आऊँ। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियाँ थी तभी तो हयात भाई मर गए। मेरी ऐसी बेटियाँ होती ना गला दबा के मार देती। अरे गला तो आप जैसे पड़ोसियों का दबाना चाहिए, जो साथ देने की बजाय कंसुरियां लेने आ जाते हैं, दूसरों का दिल जलाते हैं। निकले यहाँ से, चले जाए यहाँ से। अल्लाह का वास्ता, आप चली जाए यहाँ से, चली जाए। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं भी मर नहीं रही तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए। खबरदार जो आज के बाद हमारे घर आई तो। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आने देती हैं आप भी। याला, ये दिन भी देखना थे मुझे। परवर्दिगार, मदद कर परवर्दिगार। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी बेटी के लच्छा नहीं अच्छे नहीं लग रहे घर बसाने वाले, इसलिए तो शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। पता नहीं शोहर ने बर्दाश्त भी कैसे किया होगा। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियां थी तभी तो हयात भाई मर गए। मेरी ऐसी बेटियां होती ना गला दबा के मार देती। तबस्सुम, मैं तुम्हें लेने आया, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। बिछड़े ना यार किसे दा, कैसी हैं आप? आपको पता मैं सिर्फ आपको याद कर रही थी अभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक नहीं हूँ सामिया, बहुत परेशान हूँ बेटा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? बस क्या बताऊँ, नसीब में परेशानियाँ जो लिखी गई। अम्मी मुझे बताएं सब खैरियत है, क्या हुआ है? सामिया, तुम अपने अकबर भाई को कॉल करो बेटा, मुझसे कहो यहाँ आए, मुझसे बात करे। इस नादान को तो पता नहीं है क्या कर रही है अपने साथ, अपना घर उजाड़ देगी इस तरह।